हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम इम्पोर्टेंट चीज़ बेसिक डिस्कस करने वाले, लाइट के रिलेटेड। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, दैट इज़ कॉल्ड एज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में हमने बोले थे कि एक ऐसा फिनोमेनन है लाइट का, जिसमें लाइट वापस भेजी जाती है, और बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट भी बोल सकते हैं जिसको। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज़ कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन आफ्टर स्ट्राइकिंग अ ऑब्जेक्ट। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें देखेंगे, रिफ्लेक्शन के लॉज कितने हैं, देयर आर हाउ मेनी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, आपके जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो ब्रॉडली दो लॉज में क्लासिफाई होते हैं। देयर आर टू लॉज रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो आपको करना है, यू नीड टू ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, दोनों में से कोई भी मिरर निकाल सकते हैं। मिरर इज सपोज एम एम डैश, एम एम डैश आपका मिरर है। मिरर में दो साइड होती है, एक होती है रिफ्लेक्टिंग, दूसरी नॉन रिफ्लेक्टिंग। यहाँ पे आप ऐसे स्लैश निकाल लेंगे, ठीक है, तो दिस विल इंडिकेट नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट। लाइट जब यहाँ पे इंसिडेंट होंगी, ये वाले फेस पे, ऊपर वाले फेस पे, तब रिफ्लेक्शन होगा। अब सपोज सोर्स ऑफ लाइट, एक ये सोर्स ऑफ लाइट पे से एक रे ऑफ लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हमने अगर करवाया, ठीक है, दिस विल बी कॉल्ड एज इंसिडेंट रे। ये रे को हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। अ रे ऑफ लाइट विच इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सोर्स एंड रीचेज मिरर इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे। ये जो पॉइंट है जहाँ पे आपकी रे ऑफ लाइट यानी इंसिडेंट रे आके टकराती है, उसको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, इट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है। फिर उसके बाद ये जो आपका मिरर है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, हाईली पॉलिश सरफेस है। हम क्या करेंगे, ये हाईली पॉलिश्ड सरफेस पे एक नॉर्मल निकाल देंगे। नॉर्मल इज एन एन डैश, एन एन डैश इज सपोज नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर होता है, जो हम निकालेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से। अब आपका जो ये इंसिडेंट रे, इट गेट्स रिफ्लेक्टेड, और ये रिफ्लेक्ट होंगे ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ये जो रे है इसको हम बोलेंगे, दिस विल बी कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड रे। इसको रिफ्लेक्टेड रे बोला जाता है, ठीक है। अब इसके नोटेशन मैं बना देता हूँ, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल मेड बाई इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमारे को इसमें समझना है वो ये कि व्हाट आर लॉज रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन। सबसे पहला जो लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ फर्स्ट लॉ बोल सकते हैं हम, इट इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत सिंपल और ईजी है। इन फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इट इज स्टेटेड दैट, फर्स्ट लॉ जो रिफ्लेक्शन है आपका, वो बहुत सिंपल तरीके से स्टेट किया गया है। पहला लॉ ऐसा है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन वन प्लेन। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, ठीक है। पहली जो रे वो कौन सी? इंसिडेंट रे। सेकेंड, द रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, द इंसिडेंट रे। सेकेंड जो हमारा वो रिफ्लेक्टेड रे है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, एंड द नॉर्मल। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज लाई, ऑलवेज लाई इन वन प्लेन और सेम प्लेन। ऑलवेज लाई इन सेम प्लेन,
इसको इसके जगह पे आप वन प्लेन भी यहाँ पे लिख सकते हैं, मतलब दे आर को प्लेन आर, एक ही प्लेन में ये रहेंगे। तो व्हाट इज कॉल्ड एज, व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बहुत सिंपल सा लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत सिंपल है। ठीक है, क्या रहेगा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? फर्स्ट लॉ ऐसा बोलता है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, जो टकराने के बाद जो रे निकलती है उसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन, सबके सब एक प्लेन में ही एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का सबसे पहला लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन सेम प्लेन। ठीक है, जल्दी से पहला लॉ लिख लेना है, बहुत सिंपल सा लॉ है हमारा। पहला वाला जो लॉ है, पहला लॉ है द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज लाई इन सेम प्लेन, ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब हम सेकेंड लॉ देखेंगे रिफ्लेक्शन का। व्हाट इज सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या रहेगा, ध्यान से देखो। सेकेंड लॉ बहुत सिंपल सा लॉ है, टॉपिक लिखना सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का सेकेंड लॉ क्या रहेगा? रिफ्लेक्शन है सेकेंड लॉ का ऐसा, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसा रहेगा कि आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये सेम रहेगा। कह रहे थे हमारा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम ऐसा बोलेंगे, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू, इज ऑलवेज इक्वल टू, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये इसका स्टेटमेंट हो गया। तो व्हाट इज सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत सिंपल है, क्या रहेगा? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये मैथमेटिकल टर्म है। ठीक है, ये सबको लिख के आना चाहिए, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, क्या रहेगा हमारा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा दोनों इक्वल रहेंगे। ठीक है, इतना पॉइंट ध्यान रखो। तो ये जो एंगल है आपका, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी 30, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 35 दिस विल ऑल्सो बी 35, ये 45 है तो ये भी 45 ही रहेगा। ये सिंपल से लॉज है हमारे रिलेटेड टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दो लॉ है ये आपको ध्यान रखने हैं, मैथमेटिकल पॉइंट भी आपको ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, चलो अब इसके आगे का जो पॉइंट है वो हम समझेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में नॉर्मल इंसिडेंस क्या रहता, इस पे चर्चा होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट इज कॉल्ड एज नॉर्मल इंसिडेंस? ठीक है, नॉर्मल इंसिडेंस क्या रहेगा एंड व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर नॉर्मल इंसिडेंस? नॉर्मल, नॉर्मल इंसिडेंस क्या होता है? ठीक है, जनरली क्वेश्चन आता है व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर नॉर्मल इंसिडेंस। अब नॉर्मल इंसिडेंस बताता हूँ आपको, सपोज आपके पास में मिरर है, मिरर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय एम एम डैश, एम एम डैश हम यूज करते फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मिरर, ये प्लेन मिरर है। अब मैं इसकी नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड यहाँ निकल रहा हूँ, नेवर फॉरगेट टू ड्रॉ दिस स्लैश, नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट। अब हम क्या बोलेंगे, सपोज आपका सोर्स यहाँ पे है, सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स कितने टाइप के होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या रहता है, इमेज क्या रहता है, पूरा डिटेल में देखना है हमारे को। सपोज ये सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से लाइट इंसिडेंट हो रही है ऑन प्लेन मिरर। अब ये जो है दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ से लाइट, रे ऑफ लाइट यहाँ पे
स्ट्राइक हो रही है, दिस इज योर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हमारी एक रे ऑफ लाइट निकली यहाँ पे सोर्स पे से, और उसने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे स्ट्राइक किया यहाँ पे मिरर पे। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये, हम क्या करेंगे, हम ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है उसको नॉर्मल निकालेंगे। तो नॉर्मल इज रिप्रेजेंटेड इन सपोज ब्लू लाइन, ये ब्लू लाइन से मैंने क्या किया, नॉर्मल निकाल दिया, दिस इज द नॉर्मल। अब सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पे, यहाँ से रे ऑफ लाइट निकली जो ब्लैक में मार्किंग की गई है, दैट इज इंसिडेंट रे, ठीक है। तो ब्लैक में जो मैंने मार्किंग किया है दैट इज इंसिडेंट रे, याद रखो इट इज अ इंसिडेंट रे, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है। और ब्लू में जो मैंने मार्क किया हुआ है दैट इज नॉर्मल, इतना बेसिक पॉइंट सबको क्लियर हो जाना चाहिए, इट इज नॉर्मल। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करते हैं हम मिरर को एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब ऐसा अगर केस होता है जब आपका जो नॉर्मल है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे, व्हेन नॉर्मल ड्रॉन टू मिरर, नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे बोथ कोइंसाइड, इंसिडेंट रे बोथ कोइंसाइड, कोइंसाइड मतलब दोनों एक के ऊपर एक ओवरलैप हो जाता है, कोइंसाइड कोइंसाइड, ठीक है। तो उसको हम नॉर्मल इंसिडेंस बोलते हैं। वॉट इज कॉल्ड नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब क्या रहेगा, जब आपकी इंसिडेंट रे, ये जो मैंने ब्लैक में मार्क किया है वो इंसिडेंट रे है, और ब्लू में जो मार्क किया है वो है नॉर्मल। जब आपका इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे दोनों कोइंसाइड करता है, यानी कि दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करता है, क्या करता है, ओवरलैप, तब तब हम जो इंसिडेंस कंसिडर करेंगे उसको नॉर्मल इंसिडेंस बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, नॉर्मल इंसिडेंस। क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर नॉर्मल, और बच्चे आंसर करते 90 डिग्री। क्यों, नॉर्मल का मतलब उनके दिमाग में क्या होता है, 90 डिग्री, और सीधा गलत हो जाता। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका नॉर्मल इंसिडेंस के लिए कितना रहता, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो आप, आपका जो इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल है, ये दोनों ओवरलैप हो रहे, इनके बीच का एंगल, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दोनों के बीच के एंगल को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। नॉर्मल इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस आए की वैल्यू हो जाती है 0। क्यों, क्योंकि इंसिडेंट रे और नॉर्मल दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। इन केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस, द इंसिडेंट रे, सपोज ये इंसिडेंट रे है और ये ब्लैक वाला इंसिडेंट रे और ब्लू वाला जो, दैट इज नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं, कोइंसाइड मतलब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। दोनों के बीच का एंगल, इफ यू कंसिडर एंगल बिटवीन बोथ, दोनों के बीच का एंगल फिलहाल केस में, ये केस में है 0। इसलिए हम ऐसे बोलेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इन केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस, अगर आपकी रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर आती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा 0 हो जाता है। तो व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी 0 इन केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस, ठीक है। अब अभी हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने क्या समझे थे, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने समझे थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, वो ये था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो नॉर्मल इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0। तो नॉर्मल रिफ्लेक्शन जब भी होगा, वेन एवर नॉर्मल रिफ्लेक्शन ऑकर, देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी 0, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 रहेगा। अब इसके आगे का पॉइंट, अब ये हमारी इंसिडेंट रे थी, तो आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे रहेगी, रिफ्लेक्टेड रे वो इसी तरीके से आएगी। सपोज मैंने ब्लू में जो निकाला अभी, दैट इज रिफ्लेक्टेड रे, तो रिफ्लेक्टेड रे विल ऑल्सो ओवरलैप विद इंसिडेंट रे। तो जब भी नॉर्मल इंसिडेंस होता है, तो नॉर्मल इंसिडेंस में जो आपका इंसिडेंट रे है, ठीक है, वही आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे। तो हम ऐसे बोलेंगे, इन केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस द इंसिडेंट रे इज गोइंग टू द रिफ्लेक्टेड रे इज गोइंग टू रिट्रेस इट्स पाथ।
वैसे बोल सकते हम कि आपका जो इंसिडेंट रे है रिफ्लेक्शन के बाद में उसका पाथ रिट्रेस हो जाएगा और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी जीरो। सपोज मैंने ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करवाया तो ये टकराने के बाद में सीधी पलट के आ जाएगी फॉर नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इज जीरो, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है। नॉर्मल इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो जीरो। तो आपकी जो इंसिडेंट रे टकराने के बाद इट विल रिट्रेस इट्स पाथ, पूरा ये लाइट ऐसा जाएगा रे और वापस से ये पलट के आ जाएगा। ये जनरल कंसेप्ट है रिलेटेड टू नॉर्मल इंसिडेंस। तो पहला जो पार्ट है दैट इज रिलेटेड टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकेंड जो पार्ट है हमारा दैट इज रिलेटेड टू नॉर्मल इंसिडेंस। अब हम क्या कंसिडर करेंगे, वी आर गोइंग टू कंसिडर सम बेसिक्स ऑफ लाइट। लाइट के बेसिक्स अब भी पूरे बेसिक्स ही चालू है। जैसे हमने रे ऑफ लाइट बोले वैसे हम बीम ऑफ लाइट कंसिडर करेंगे अभी। बीम ऑफ लाइट के बाद में हम जो बेसिक पॉइंट कंसिडर करेंगे दैट विल बी रिलेटेड टू, इसका जो रिलेशन है हम बीम वगैरह का आगे भी आने वाला है, तो ऑब्जेक्ट वगैरह क्या है, कौन से टाइप के ऑब्जेक्ट रहेंगे वो सब हमारे को देखना है। सबसे पहले हम व्हाट इज कॉल्ड एज बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है। अब हमने रे ऑफ लाइट देखे, रे ऑफ लाइट कह रहे थे इट इज एक्चुअली द स्ट्रेट लाइन पाथ दैट इज ट्रेस्ड बाय लाइट। अब व्हाट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट, हम बीम ऑफ लाइट का डेफिनेशन ऐसा लिखेंगे कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रेज ऑफ लाइट, रेज ऑफ लाइट, कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज बीम ऑफ लाइट, इज कॉल्ड एज बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट क्या रहेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो। व्हाट इज कॉल्ड एज बीम ऑफ लाइट, कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज बीम ऑफ लाइट। कितने टाइप के बीम्स रहेंगे, सबसे पहला जो रहेगा दैट विल बी पैरेलल बीम ऑफ लाइट। कौन सा लाइट रहेगा, पैरेलल। ये जो बीम ऑफ लाइट रहेंगे, ये जो टाइप है बीम, इसको हम बीम बोलेंगे। क्यों बीम, दिस इज फर्स्ट रे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। हमने रे ऑफ लाइट को बोले थे कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो हेड। एरो हेड का मतलब कि वो लाइट का डायरेक्शन बताता है कि लाइट आपकी कौन से डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। अब ये जो आपके रेज है, कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रेज विल बी कॉल्ड एज बीम। अब ये जो बीम है इसको हम कौन सा वाला बोलेंगे, दिस विल बी कॉल्ड एज पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है। तो बीम ऑफ लाइट का पहला टाइप रहेगा पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पैरेलल बीम ऑफ लाइट के बाद में सेकेंड जो टाइप का बीम है दैट विल बी कॉन्वर्जिंग बीम। अभी कॉन्वर्जिंग का मतलब क्या, कि एक सोर्स है लाइट का जिसपे से रे ऑफ लाइट आ रही है और रे ऑफ लाइट क्या हो रही है, एक पॉइंट पे मीट कर रही है, एक पॉइंट पे आके मीट कर रही है, तो ऐसे वाले को हम कॉन्वर्जिंग बीम बोलेंगे। कौन सा बोलेंगे, कॉन्वर्जिंग। व्हेन बंडल्स ऑफ रेज ऑफ लाइट मीट और टेंड टू मीट, व्हेन बंडल्स ऑफ रेज ऑफ लाइट, प्लीज राइट डाउन डेफिनेशन, व्हेन बंडल्स ऑफ रेज ऑफ लाइट मीट और टेंड टू मीट एट अ पॉइंट, टेंड टू मीट एट अ पॉइंट, देन इट इज कॉल्ड एज कॉन्वर्जिंग बीम। इसको हम कॉन्वर्जिंग बीम बोलेंगे, ठीक है। बेसिक से लाइट के बहुत सिंपल सिंपल से बेसिक। पहला होता है पैरेलल बीम, मतलब रेज जो है एक दूसरे को पैरेलल है, ठीक है, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर भी बोल सकते हैं हम, दे आर इक्वी डिस्टेंट एंड पैरेलल टू ईच अदर, इनका डायरेक्शन भी सेम रहेगा, ठीक है। सेकेंड जो टाइप का बीम है दैट इज कॉन्वर्जिंग बीम। अभी कॉन्वर्जिंग बीम क्या रहेगा, आपके पास में रेज ऑफ लाइट है, ये रेज ऑफ लाइट जो है वो एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट होंगे। जैसे सपोज ये पॉइंट है, सोर्स से लाइट इधर से आ रही है, इधर आ रही है, सब आके एक ही पॉइंट पे मिल रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज कॉन्वर्जिंग बीम। तो व्हेन रेज ऑफ लाइट मीट और टेंड टू मीट एट अ पॉइंट, व्हेन रेज ऑफ लाइट
मीट और टेंड टू मीट, टेंड मतलब ऐसा माना जा रहा कि मीट हो रही। मैं आपको पूरा पॉइंट बताऊंगा टेंड टू मीट वगैरह के रिलेटेड। पहले डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, व्हेन रेज ऑफ लाइट मीट और टेंड टू मीट देन इट विल बी कॉल्ड एज कॉन्वर्जिंग बीम, उसको हम कॉन्वर्जिंग बीम बोलेंगे। अब अगर सपोज आपके पास में एक पॉइंट है, ठीक है, दिस इज योर पॉइंट, या फिर ये ऐसा हम कंसिडर कर सकते हैं सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट से रेज ऑफ लाइट एक दूसरे से दूर जा रही है तो उसको हम डाइवर्जिंग बीम बोलेंगे। कौन सा बीम? डाइवर्जिंग बीम, व्हाट इज कॉल्ड एज डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। व्हेन रेज ऑफ लाइट, व्हेन रेज ऑफ लाइट अपीयर टू डेविएट फ्रॉम ईच अदर, व्हेन रेज ऑफ लाइट, ये जो है रेज ऑफ लाइट है, व्हेन दिस रेज ऑफ लाइट अपीयर टू डेविएट फ्रॉम ईच अदर, ये एक दूसरे से दूर दूर जा रही है, फ्रॉम अ पॉइंट, व्हेन रेज ऑफ लाइट डेविएट डेविएट फ्रॉम ईच अदर और अपीयर टू डेविएट फ्रॉम ईच अदर फ्रॉम अ पॉइंट देन इट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग बीम। ठीक है, चलो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट इज कॉल्ड एज बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट मतलब क्या? कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रेज ऑफ लाइट, क्या रहेगा? कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट के तीन टाइप, पहला पैरेलल, दूसरा कन्वर्जिंग और तीसरा डाइवर्जिंग। पैरेलल मतलब क्या? रेज ऑफ लाइट एक डायरेक्शन में जा रही है, दे आर इक्विडिस्टेंट टू इच अदर, दे आर नॉट गोइंग टू इंटरसेक्ट। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है पैरेलल के रिलेटेड, तूने न की मेरे प्यार की कदर, टू पैरेलल लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट इच अदर। ये बहुत सिंपल सा पीजे है, क्या? तूने ना कि मेरे प्यार की कदर, टू पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट इच अदर। तो ऐसे जो रहेंगे दे विल बी कॉल्ड पैरेलल, एक दूसरे से ये कभी इंटरसेक्ट होने वाले नहीं है। कॉन्वर्जिंग, बहुत सारे रेज ऑफ लाइट है ये एक पॉइंट पे आके मिलते हैं, अगर इंटरसेक्ट होते एक पॉइंट पे तो उसको हम कॉन्वर्जिंग बोलेंगे। एक पॉइंट उससे अलग अलग स्प्रेड अगर रेज ऑफ लाइट होते हैं तो उसको हम डाइवर्जिंग बीम बोलेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो हाउ मेनी टाइप ऑफ बीम्स आर देयर? थ्री टाइप ऑफ बीम, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो। बेसिक्स चालू है लाइट के रिलेटेड। अब इसके बाद का जो बेसिक है हमारा लाइट के रिलेटेड, उसका मतलब रहेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम बहुत बार टर्म यूज करेंगे, व्हाट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, व्हाट इज इमेज डिस्टेंस, इमेज क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे को अभी समझना है। तो व्हाट इज कॉल्ड इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है वो हमारे को अभी समझना है। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज कॉल्ड इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है ये हमारे को देखना है। ठीक है, बहुत सिंपल चीज है, ऑब्जेक्ट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एनीथिंग एनीथिंग विच विच गिव्स आउट लाइट, गिव्स आउट लाइट, एनीथिंग दैट गिव्स आउट लाइट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट। अब ये जो लाइट है ये उस पर्टिकुलर चीज में से भी निकल सकती है, या फिर वो पर्टिकुलर चीज से रिफ्लेक्ट हुई हुई लाइट भी हो सकती है। तो हम ऐसे बोलेंगे एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट, लाइट मे बी इट्स ओन, लाइट मे बी इट्स ओन, लाइट्स में लाइट मे बी इट्स ओन और इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट, और इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट, ऐसे वाले सब्सटेंस को हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? बहुत सिंपल सा डिफिनेशन है, एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट, एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट, ये जो लाइट है लाइट मे बी ऑन इट्स ओन, ऑफ इट्स ओन और इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट। अब एक सिंपल सा पॉइंट बताता, जैसे कि सपोज सूरज है, ठीक है, सन, सन में से खुद की लाइट निकलती है, ठीक है, सन में से ऑब्वियसली खुद की लाइट निकलती है तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी ऑब्जेक्ट। अब अगर सपोज आप मून ले रहे हो, मून, ठीक है, ये समझने के लिए मैं बता रहा हूँ डिफरेंस बिटवीन लाइट मे बी इट्स ओन और रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट। अब ये जो मून है, मून में से जो लाइट निकलती है तो ये जो लाइट है ये खुद की रहती है क्या? नहीं, मून में से कोई लाइट प्रोड्यूस नहीं होती, इट इज द लाइट विच इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सन, सन में से जो लाइट आती है वो रिफ्लेक्शन, वो रिफ्लेक्ट होती है मून से, मून को खुद को खुद की कोई लाइट नहीं होती। तो मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या बोलेंगे, ये जो सन है इट इज सोर्स ऑफ लाइट, इट इज सोर्स ऑफ लाइट, मतलब इसकी खुद की लाइट प्रोड्यूस हो रही है। मून जो है, मून से जो लाइट निकलती है इट इज रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक
कौन सी लाइट होती है? ये रिफ्लेक्टेड लाइट होती है. द लाइट विच इज गिवन आउट फ्रॉम सन इज इट्स ओन, दैट मीन्स सन जो है ये सोर्स ऑफ लाइट है. मून, मून को खुद की लाइट नहीं होती, इससे जो लाइट निकलती है वो एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड लाइट होती है. तो ये मून जो है इट इज़ अ सोर्स ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट. इसमें से जो लाइट निकलती है ना वो उसकी खुद की लाइट नहीं होती. अब मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ तो बेसिकली क्यों दिखाई दे रहा हूँ, क्योंकि मैं एक रिफ्लेक्टेड लाइट, मतलब मेरे बॉडी में से रिफ्लेक्टेड लाइट आप तक पहुँच रही है. ठीक है, अगर बल्ब है, बल्ब में से अगर लाइट निकलती है तो इसका मतलब इट इज़ सोर्स ऑफ लाइट. तो बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट एक ऐसी चीज़ है जिसमें से लाइट निकलती है. ठीक है, मैं आपके लिए अभी एक ऑब्जेक्ट हूँ, क्यों? मुझ में से रिफ्लेक्टेड रेज आप तक पहुँच रहे हैं. बल्ब अगर मैं आपके सामने रखूँ, ठीक है, इन ऑन कंडीशन, तो उसमें से जो लाइट निकलेगी वो उसकी खुद की रहेगी. तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट. एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट, लाइट मे बी इट्स ओन और इज रिफ्लेक्टेड लाइट, दैट विल बी कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट. उसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे. अगर सपोज किसी ऑब्जेक्ट में से खुद की लाइट प्रोड्यूस होती है तो उसको हम सोर्स ऑफ लाइट बोलेंगे. या अगर सपोज मून है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इसमें खुद की लाइट नहीं होती तो इसका मतलब इसमें से जो लाइट निकलेगी वो कौन सी रहेगी? रिफ्लेक्टेड लाइट. बल्ब, ट्यूबलाइट, सन, दिस आर ऑल सोर्स ऑफ लाइट. बुक, चेयर, ह्यूमन बींग, नीडल, ये सब क्या रहेंगे? दिस आर ऑल गोइंग टू हैव रिफ्लेक्टेड लाइट. इनमें सब में रिफ्लेक्टेड लाइट होती है. अब आपका जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट के रिलेटेड बेसिक पॉइंट ध्यान रहना चाहिए. ऑब्जेक्ट टोटल होते हैं दो टाइप के. देर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट टोटल दो टाइप के होते हैं. देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट. पहला जो टाइप है हमारा ऑब्जेक्ट का, उसको हम बोलेंगे, इट विल बी कॉल्ड एज पॉइंट साइज. ठीक है, पॉइंट साइज. और दूसरा जो रहेगा दैट विल बी एनलार्ज्ड ऑब्जेक्ट. एनलार्ज, एनलार्ज. देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट. एक होगा पॉइंट साइज, सेकेंड इज एनलार्ज्ड. अब एनलार्ज्ड और पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? अगर जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी स्मॉल है बहुत साइज, उसकी साइज बहुत छोटी है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते बाय अ पॉइंट. एक डॉट से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है. तो बहुत छोटे ऑब्जेक्ट जो होते हैं, ठीक है, उसको हम पॉइंट साइज बोलते हैं. एनलार्ज मतलब जिसकी साइज बड़ी होती है, जिसकी साइज बड़ी होती है उसको हम एनलार्ज ऑब्जेक्ट बोलते हैं. एनलार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स, ये जो एनलार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक वर्टिकल लाइन निकालते हैं बाय अ एरो ओवर इट. बाय अ एरो ओवर इट, ठीक है, उसके हेड पे हमारे को एरो निकालना है. जैसे कि सपोज नीडल, इफ यू कंसिडर नीडल और इफ यू कंसिडर कैंडल, ये अपने कैंडल अगर कंसिडर करे तो कैंडल जो रहेगा इट विल बी सोर्स ऑफ लाइट. तो ये ऑब्जेक्ट रहेगा और उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. बहुत सिंपल है. तो हम ऐसा बोलेंगे पॉइंट साइज और एनलार्ज दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं. एनलार्ज ऑब्जेक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय वर्टिकल लाइन हैविंग एरो ओवर इट. और अगर सपोज एक बहुत बारीक सा ऑब्जेक्ट है जिसमें से लाइट निकलती है तो उसको हम पॉइंट साइज बोलेंगे, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट और इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट. ठीक है, अब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप मिरर के सामने रखते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप मिरर के सामने रखते हो तो ऑब्जेक्ट में से रेज ऑफ लाइट निकलेगी, वो टकराएगी मिरर से. ऑब्जेक्ट में से रेज ऑफ लाइट निकलेगी, वो टकराएगी मिरर से, और मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होंगी. रिफ्लेक्ट होने के बाद में आपको एक ऑप्टिकल अपीयरेंस दिखाई देगा. ऑप्टिकल अपीयरेंस एक आपको दिखाई देता है जब आपकी रेज ऑफ लाइट टकराती है मिरर से. मिरर से टकराने के बाद जो ऑप्टिकल अपीयरेंस आपको दिखाई देता है ना, उसको हम इमेज बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इमेज. अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे को बेसिक्स में समझना है, दैट इज इमेज. वॉट इज कॉल्ड एज इमेज? इमेज क्या होता है? इमेज बेसिकली एक ऑप्टिकल अपियरेंस है. ऑप्टिकल अपियरेंस मतलब एक इल्यूजन भी बोल सकते हैं आप. बेसिकली हम अभी टर्म यूज करेंगे अपियरेंस. ऑप्टिकल अपियरेंस विच इज फॉर्म्ड. ऑप्टिकल अपियरेंस विच इज फॉर्म्ड.
ये फॉर्म कब होता है? ऑप्टिकल अपीयरेंस विच इज फॉर्म्ड व्हेन व्हेन द इंसिडेंट रेस व्हेन द इंसिडेंट रेस ऑफ लाइट इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट आर रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मिरर्स. इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो. मिरर्स, इमेज का मतलब क्या होता है? व्हाट इज कॉल्ड एज इमेज? इमेज बहुत सिंपल सी चीज है. अभी जो हम इमेज समझ रहे हैं वो इमेज रहेंगी मिरर्स के रिलेटेड. ठीक है, इसके लिए मैं सिर्फ मिरर के रिलेटेड की अभी इमेज बता रहा. इसके बाद में लेंस जब आएंगे लेंस के रिलेटेड इमेज का डेफिनेशन अलग रहेगा. व्हाट इज कॉल्ड एज इमेज? इमेज एक ऑप्टिकल अपीयरेंस है. इमेज क्या है? एक ऑप्टिकल अपीयरेंस. अभी ऑप्टिकल अपीयरेंस कब जनरेट होता है? ऑप्टिकल अपीयरेंस विच इज फॉर्म्ड व्हेन इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मिरर्स. अगर सपोज ये मिरर है, ठीक है, मिरर के सामने जब ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट से उस पर रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी. रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट होने के बाद क्या होगा? आपका इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होना चालू हो जाएगा. दैट मीन्स रिफ्लेक्टेड रेज विल बी जनरेटेड. जब ये रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट होते हैं तो एक ऑप्टिकल अपीयरेंस क्रिएट होता है, और ये जो ऑप्टिकल अपीयरेंस क्रिएट होगा उसको ही हम इमेज बोलेंगे. व्हाट इज कॉल्ड एज इमेज? इमेज इज ऑप्टिकल अपीयरेंस विच इज फॉर्म्ड व्हेन इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मिरर. मिरर पे से रिफ्लेक्ट होने के बाद अपने मिरर पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करवाए. रे ऑफ लाइट जैसे आप इंसिडेंट करवाएंगे तो मिरर पे से इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होना चालू हो जाएगी, और ये जब रिफ्लेक्टेड रेज जब एक जगह पे आके मिलते हैं, ठीक है, तो उससे जो ऑप्टिकल अपीयरेंस जनरेट होता है उसको हम इमेज बोलते हैं. अब ये जो इमेज है ये दो टाइप की होती है. इमेजेस आर ऑफ टू टाइप. ठीक है, दो टाइप की इमेजेस रहेंगे. पहली जो इमेज होती है दैट इज कॉल्ड रियल इमेज. पहली जो इमेज होती है उसको हम रियल इमेज बोलेंगे. दूसरी जो है उसको हम वर्चुअल इमेज बोलेंगे. दूसरी जो इमेज होती है उसको हम वर्चुअल इमेज बोलेंगे. वर्चुअल इमेज मतलब एक इमेजिनरी इमेज है. इमेजेस के दो प्रकार होते हैं, एक होती है रियल इमेज, दूसरी होती है वर्चुअल इमेज. अब रियल इमेज क्या होती है? सपोज आपकी ये एक रिफ्लेक्टेड रे है, ये दूसरी भी रिफ्लेक्टेड रे है. दो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे इंटरसेक्ट होती है और इससे एक ऑप्टिकल अपीयरेंस सपोज जनरेट होता है. दिस इज रिफ्लेक्टेड रे वन, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे टू. दिस रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली इंटरसेक्ट, ये एक्चुअल में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, और इनके एक्चुअल इंटरसेक्ट होने से जो ऑप्टिकल अपीयरेंस क्रिएट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? रियल इमेज. व्हाट इज कॉल्ड रियल इमेज? रियल इमेज एक्चुअल में एक ऐसी अपीयरेंस है, ऑप्टिकल अपीयरेंस, जो दो रिफ्लेक्टेड रेज, मिनिमम दो रिफ्लेक्टेड रेज के एक्चुअल इंटरसेक्शन से होगा. अगर सपोज आपकी रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं होती, आप उसको वर्चुअली यानी आप आर्टिफिशियली उसको इंटरसेक्ट करवा रहे हो. इफ यू आर पर्पसफुली, आप एक्चुअल में दो रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, आप कोई ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करने के बाद में आपने दो रेज को पर्पसफुली इंटरसेक्ट करवाया है, एक्चुअल में हो रहे थे क्या? नहीं, आपने कुछ मॉडिफिकेशन किए डायग्राम में, रे डायग्राम जिसको हम बोलेंगे, और उसके इंटरसेक्शन के बाद जो इमेज प्रोड्यूस होगी ना उसको हम वर्चुअल इमेज बोलेंगे. कौन सी इमेज? वर्चुअल इमेज. दो टाइप की इमेजेस होती है, एक होती है एक्चुअल इमेज, सॉरी एक होती है रियल और दूसरी वर्चुअल. रियल इमेज इज फॉर्म बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेस. वर्चुअल इमेज इज फॉर्म बाय सॉरी हमारा वर्चुअल इमेज इज फॉर्म बाय यू कैन से
वर्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ, वर्चुअल इंटरसेक्शन आना चाहिए यहाँ पे, सॉरी, वर्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेस। यहाँ पे हम बलजबरी हम कुछ मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन करने के बाद में हम रेस को इंटरसेक्ट करवा रहे हैं, तो ऐसे इंटरसेक्शन से जो इमेज बनेगी उसको हम वर्चुअल इमेज बोलेंगे। अब दो एग्जांपल देता, सपोज आप मिरर ले रहे एंड यू आर वॉचिंग योर फेस इनसाइड द मिरर, प्लेन मिरर है। जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तब आपको ऐसा दिखाई देगा कि आपकी इमेज मिरर में दिखेगी, आपका प्रतिबिंब या इमेज आपको मिरर में दिखाई देगा। जब आपको आपका इमेज मिरर में दिखाई देता है तो वो इमेज जो रहेगा वो वर्चुअल रहेगा, ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड एज वर्चुअल। अब अगर सपोज आप सिनेमा हॉल में बैठे हैं, आपके सामने एक पर्दा होता है, पर्दे पे स्क्रीन पे रेज ऑफ लाइट आती है और रेज ऑफ लाइट प्रोजेक्ट करने के बाद में उस पर पिक्चर दिखाई देता है, तो जो इमेज स्क्रीन पे प्रोजेक्ट होती है आपके सामने पर्दे पे स्क्रीन पे, जिसको आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं, उसको हम एक्चुअल इमेज बोलेंगे या फिर रियल इमेज बोलेंगे। रियल इमेज, तो रियल इमेजेस कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन, द स्क्रीन विच इज यूज्ड इन सिनेमा हॉल, उससे जो इमेज क्रिएट होती है उसको हम रियल इमेज बोलते हैं। मिरर्स में जो इमेज प्रोड्यूस होगी, जैसे कि प्लेन मिरर बोलूंगा मैं, प्लेन मिरर में जो इमेज प्रोड्यूस होती है जब आप आईने के सामने खड़े होते हैं, उससे जो इमेज जनरेट होती है ना उसको हम वर्चुअल इमेज बोलेंगे, ठीक है। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ इमेजेस, रियल एंड वर्चुअल, ये पॉइंट ध्यान रखो। दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, एक होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट और दूसरा जो होता है दैट इज एक बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बोलेंगे जिसको, ठीक है। तो ऐसे सिंपल सिंपल से ऑब्जेक्ट और इमेजेस के टाइप है, और बहुत सी चीज़ हमारे को डिटेल में समझनी है, बट आज के लिए इतना ही। इसके आगे का पॉइंट हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।